मैं सुभाष चंद्र यादव, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर था और पार्टी के प्रवक्ता पद से मैंने विगत 2-4 दिनों पहले इस्तीफा भी दिया था। और यहाँ आने से पहले मुझे पता भी चला कि आप लोगों के कई पत्रकार साथियों के मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया है। उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर ये लिखा गया है कि वो तो पहले से पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो उनकी न्यूज कवर मत करिएगा, उनकी न्यूज मत चलाइएगा। ये तो मुझे पता चल गया है। तो ये आप समझ लीजिए कि सत्ता के अंदर रहते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर उनके सुपुत्र किस प्रकार मीडिया के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि अरुण राजभर जी की हैसियत क्या है। अरुण राजभर के पीछे अगर उनके बाप ओम प्रकाश राजभर के अगर नाम नहीं होता तो अरुण राजभर जी की कोई हैसियत नहीं है। और आज वो मीडिया को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र यादव की न्यूज न चले। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अरुण राजभर को वास्तविक स्थिति का अवगत कराना चाहता हूँ कि भैया जिस घर में बैठे हो ना तो चुपचाप बैठे रहो। आपकी हैसियत कितनी है उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह जानती है। मुझे मेरे दम से, मेरे काबिलियत से अगर एक व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश के अंदर जान रहा है तो मेरी काबिलियत से जान रहा है। मेरे बाप का नाम नहीं जुड़ा पीछे, इन्हें मैं बहुत बड़े धनाढ्य पति का आदमी हूँ, राजनीतिक परिवार का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अरुण राजभर जी इस प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास मत करें। मीडिया स्वतंत्र है, इस देश का चौथा स्तंभ है। सर क्या वजह है छोड़ने की पार्टी? दोस्तों और साथियों, ये एक मार्मिक कहानी भी बोलना चाहूंगा मैं। जो भी पार्टी होती, चाहे मैं अभी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के मैं सदस्यता लिया हूँ, जुड़ा हूँ, यानी ये मेरा एक परिवार है और परिवार का जो मुखिया होता है हमारे गार्जियन के बराबर होता है। विगत 26 अप्रैल को मैं इसी घोषी के अंदर था और मैं अरविंद राजभर जी का प्रचार प्रसार कर रहा था और 26 तारीख को मेरे घर पर एक दुर्घट घटना घटती है। मेरे सगे 19 वर्षीय भतीजे का सड़क दुर्घटना के अंदर एक्सीडेंट होता है और उसका देहांत हो जाता है। इस बारे में जानकारी शीर्ष नेतृत्व को थी, अरुण राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, अरविंद राजभर जी को। वो अरविंद राजभर जी, वो अरुण राजभर जी, वो ओम प्रकाश राजभर जी जो लखनऊ कार्यालय के अंदर जब भी उनका कोई काम होता, चाहे प्रेस नोट रिलीज करना हो, ड्राफ्टिंग करने, कुछ भी काम करना रहता था, सुभाष जी आप कहाँ हैं, आप चले आइए, मैं चलाता था उनके फ़ोन के ऊपर। उनको जब पता चला कि मेरे घर पर इतनी मार्मिक घटना घटी हुई है, क्या उस व्यक्ति को एक फ़ोन करना उचित नहीं समझा उन्होंने? मैं तो उनके परिवार का सदस्य हूँ ना, वो मुझे अपने परिवार सदस्य मानते हैं ना। जो परिवार का मुखिया है उसको मेरे दुख के अंदर खड़ा होना था, लेकिन वो व्यक्ति आजमगढ़ के अंदर जैनपुर में एक शादी समारोह के अंदर जा सकता है, लेकिन वहीं से 20 किलोमीटर दूर उपस्थित मेरे घर पे नहीं आ सकता। अरुण राजभर हेलीकॉप्टर शॉट के कार्यक्रम के अंदर आजमगढ़ जा सकते हैं, लेकिन वहां से 10 किलोमीटर दूर मेरे घर नहीं आ सकते। अरविंद राजभर जी पार्टी के धनाधिपति नेता हैं, उनके घर पर उनकी माँ के त्रयोदशी कार्यक्रम के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहां से 12 किलोमीटर दूर मेरे घर पर नहीं आ सकते। वो मेरा परिवार है, वो मेरा मुखिया है। उस मुखिया ने सिर्फ मुझे यादव के रूप में इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी के विरुद्ध और यादवों के विरुद्ध। उनका एकमात्र मोटो यही था। वो लगातार बोलते हैं कि हम पिछड़े समाज का, शोषित समाज का, दलित समाज का आवाज उठाने का काम करते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे ना, तो उन नेताओं को बोलते थे कि वो लोग नेता नहीं, लोडर हैं। वर्तमान में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुद लोडर बन चुके हैं, लोडर बन चुके हैं और बहुत बड़े लोडर बन चुके हैं। वो पिछड़ों की बात करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अति दलितों की बात करेंगे, लेकिन उनका हक लूट कर अपने आप को बड़ा करेंगे, अरविंद राजभर जी को बड़ा करेंगे, अरुण राजभर जी को बड़ा करेंगे। क्या और कोई नहीं मिला उनको अरविंद राजभर के अलावा टिकट देने के लिए? MLC के अंदर भी अरुण राजभर जी का फॉर्म भर गया था। मैं डंके की चोट पर आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर अरविंद चुनाव नहीं खड़े होते तो बिच्छेलाल जी को MLC नहीं भेजते। यानी कहीं पे भी अगर जाना रहेगा तो बाप आगे जाएगा, उसके बाद में अरविंद राजभर जाएगा, तीसरे नंबर अरुण राजभर जाएगा। बाकी लोग क्या पिछड़े दलित सिर्फ उनका ढोला उठाएंगे, उनकी गुलामी करेंगे? तो पिछड़ा दलित जो है उनके नाम पे जो दुकान चला रहे हैं उनकी दुकान बहुत जल्द बंद होने वाली है। आज कितने लोगों ने इस्तीफा दिया आपके साथ? कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए जाते थे, किस तरह का आज के? अरे बहुत अच्छे सवाल पूछा आपने। मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मेरे जो छत्ती भाई हैं उनसे निवेदन करूंगा, ब्राह्मण भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हमारे हिंदू कुल के अंदर सर्वोपरि देवता के बराबर है। पार्टी के सुप्रीमो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को गरियाने का काम करते हैं और बाकी कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि दबा के गरियावा ताकि राजभर समाज हमारा खुश हो जाए। आप मुझे बताइए, चुनाव जीतने के लिए क्या किसी पर्टिकुलर एक समाज को टारगेट करना चाहिए? क्या राजनीति सिखाती है? ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, उनके सुपुत्र दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजभर जो ब्राह्मण उनको गरियाइए, ठाकुर को गरियाइए। और कुछ दिन पहले तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था ना, पूरे चैनल में चला था, सबने देखा था किस प्रकार उनके जिला के जो अध्यक्ष थे किस प्रकार ठाकुरों की माँ बहन बेटियों गरिया रहे थे। क्या उसके ऊपर ओम प्रकाश जी ने अभी तक एक्शन लिया, कार्रवाई की, उसको पार्टी से निकाला? कुछ नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार की मौन स्वीकृति है। वो सिर्फ यूज करना चाह रहे हैं, वोट लेना चाह रहे हैं ठाकुरों का, ब्राह्मणों का, लेकिन उनके मन के अंदर इन लोगों के प्रति काला भरा हुआ पूरी तरीके से। कितने लोगों ने किया है? आप और उन्होंने कहा था आप यादव समाज से आते हैं, उन्होंने कहा था हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती है, आपको कितना समय लग गया?
देखिए सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी बुद्धि जब भी खुली खुली तो मैं आ गया ना, लेकिन आप ये ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिएगा कि तुम्हार बुद्धिया कब खुल रही हो, तुम्हार बुद्धिया कब खुल रही है। तो पिछड़न का बात करा ना, कुछ दिन पहले मैं बोल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लड़कों बैठा हुए कुल लात खाए लायक हुए हैं, वो उसी की जनता उनके अब लतिया के भेजे वाली है, बपो के लतिया और बेटो के लतिया वाली है, तब खुद लात खाए वाला हुए। अच्छा नेताजी दो दिन पहले उनके जितावत कैसे कटवा रहे, ये सवाल जाके पूछा कि दो दिन पहले योगी गरी उतराने तो बताओ कैबिनेट में कहा शामिल होगी ना, पूछा हिम्मत यो पूछ लिया तो नहीं जाएगी उनसे। योगी तो खुश है उनसे, योगी जी तो खुश हो तो मोहम्मद गौनक मंशूर समझ में आएगा कितना खुश हुए, वो चेहरों से तेज में समझ आएगा लाल। राजभर समान एक स्वाभिमानी समाज होता है, जिस प्रकार पूर्व के अंदर ब्रजेश पाठक के चरणों के अंदर जिस प्रकार लौट गए थे, परसों आप सभी लोगों ने देखा ना कैसे लौट गए थे योगी जी के चरणों में, तो ये लौट लौट के चाह रहे हैं कि भैया मुझे भीख दे दो, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना तो बोलते थे कि मैं इनको मठ में भिजवा दूंगा, कटोरा पकड़ के भीख मंगवा दूंगा। आज अरविंद राजभर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों के अंदर बैठ के कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं कि मुझे सांसद की भीख दे दो, मुझे सांसद की भीख दे दो। आज आपके साथ कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? दर्जनों लोगों ने इस्तीफा दिया मेरे साथ, बताइए 19 से 20 लोगों ने इस्तीफा दिया है। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं स्वाभिमान पार्टी? ऑलरेडी आपके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गार्जियन ने ज्वाइन कराई दिया जी। क्या अच्छा दिखा? देखिए जमीन से जुड़े हुए नेता है ना ये भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर थे, इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने पसीने से सींचा, खून पसीने से सींचा, लेकिन बदले में इनको क्या मिला भैया? क्या ये टिकट पाने के अधिकारी नहीं थे? टिकट हुआ खाली ओम प्रकाश राजभर को ही है, अरविंद राजभर को ही है, और दूसरा राजभर का करिए बस उनके पीछे चल के डेरा डंबरी उठा उनकर जय जयकार लगा हुए। आपको नहीं लगता काफी देर कर दिया आपने ये सब बोलने में? देखिए मैंने कोई देर नहीं की, मैंने बहुत सही समय फैसला किया है, वोटिंग है 1 जून को, 30 तारीख को शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा, इतने में खेल बिगड़ जाएगा। देखिए मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही बार बार बोलूंगा कि जो पिछड़ों की दलितों की करता है वो नेतागिरी के हैसियत से थोड़े नेतागिरी करता है, मजदूर के हैसियत से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में लोग नेतागिरी करते हैं। नहीं तो औकात होती तो 22 के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को और असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज होता तो 22 सीट इसके गठबंधन में इसको 17 सीट 22 में मिला था, लेकिन बाप बेटा तक सीमित रहा, एक भी कार्यकर्ता को उसने चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया। कि आप खटकते थे इनकी नजरों में, अचानक अच्छे कहां से आप हो गए? आपको बताऊं, बता तो रहा हूं, बात जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपके दिमाग में अधूरी बात रहेगी, उसी तरह से घूमता रहेगा। हमने तो आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि 17 में 2 लड़ा, 15 सौदाबाजी करने का काम किया। बहुत से कार्यकर्ता आज के डेट में बताऊं, बहुत से कार्यकर्ता उनके दल में केवल खाना पूर्ति करने के लिए लोग हैं, नहीं तो सब लोग अंदर से उग चुके हैं उनके आदत से, उनके घमंड से। आज उनका घमंड बोल रहा है जो उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री जो बने हैं, बनाए गए हैं 7 महीना बाद बनाए गए हैं ना, 8 महीना पहले NDA गठबंधन में शामिल हुए, आ शामिल हुए तो दर्द सताने लगा, जब भारतीय जनता पार्टी डाल मटोल करने लगी तो इनको दर्द सताने लगा, बड़ा तकलीफ इनको महसूस हो रहा था। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटा को, जिन लोगों ने जवानी अपनी बर्बाद कर दिया सुभाजपा के साथ, जब टिकट दे करके उनको सदन तक भेजने की बात आई तो दोनों बाप बेटा को पैसा दिखाई दे रहा था। यही नहीं, कार्यकर्ता मेरे लिए उनके भी दल में जो कार्यकर्ता हैं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी उन कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं से मेरा दुश्मनी कोई है, उनके कार्यकर्ता वहाँ मजदूर बन करके काम करते हैं। महेंद्र राजभर ने जो खर्चाली ठोका है, इस खर्चाली को और मोट करेगा, 24 का भी इतने दीजिए ना, बहुत दर्द करेगा। आज इनको सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूं, आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन करा करके आज ही इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से नवाज भी रहा हूं और मुसाफा दे करके राष्ट्रीय भैया और इनका माला पहना करके स्वागत कर दें। अभी कटवेज करेंगे, अभी कटवेज करेंगे।
फिर से पहनाना पड़ेगा, उतार देते हैं। हाँ ठीक है, पहले भी आए थे तो प्रणाम किए थे निहूर करके, घुटना के बले हो करके, उसकी बड़ी चर्चा थी और समाज में इतना चर्चा है उसकी कि समाज के इज्जत को शर्मसार कर दिया है, वही चर्चा तो है। और इसके अलावा क्या चर्चा हो सकती है बताइए, क्या बताइए? अभी आपने बताया कि वो पैसे के लिए कहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी से चार हाथ, बहुजन समाज पार्टी को तो गलत क्लेम और ब्लेम लगा रहे हैं, आप जान लीजिए। बहुजन समाज पार्टी इनसे बहुत पीछे है, वो बहुजन समाज पार्टी से कई हाथ वो आगे हैं, जो क्या क्लेम ब्लेम बहुजन समाज पार्टी पे लगाते हैं। कितने लोग पार्टी छोड़ के आए हैं, किनके साथ क्या कुछ? दर्जनों लोग आए हैं जिनका नाम पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए आप लोग। देखिए, रंजीत राजभर जी हैं, बबलू राजभर जी हैं, हरिशंकर राजभर जी हैं, बीडीसी सदस्य उदी चंद्र राजभर जी हैं, प्रमोद राजभर जी हैं, अविनाश जी हैं, चंद्रेश जी हैं, मिथिलेश यादव जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, शिव कुमार राजभर जी हैं, भूरा राजभर जी हैं, सोनू राजभर जी हैं, मनोज राजभर जी हैं, प्रियांशु राजभर जी हैं, अभिनव यादव जी हैं, आदर्श राजभर जी हैं, बेसू राजभर जी हैं, राजदेव भारती जी हैं, मास्टर साहब आपके सामने बैठे हैं। क्या सभी कौन कौन राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं? इसमें राष्ट्रीय स्तर के एक ही पदाधिकारी हैं, सुभाष चंद्र यादव जी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, यादव जी को बड़ा देर लगा पार्टी में छोड़ने में, सुभाष बड़ी देर लगी पार्टी छोड़ने में। ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं दोबारा? कहते हैं 12 बजे बुद्धि खुलती है यादव की, घुटना बुद्धि होती है, यादव जी को बड़ा समय लगा। जिसकी बुद्धि 12 बजे खुली वो देश का प्रधानमंत्री बना लिया, आज चार चार बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लिया, आ इनकी बुद्धि तो 75 बरिस पहले खुली। अपने लोगों को 19 बरिस में पहचान ही नहीं पाए कि मेरा कौन है, बिराना कौन है। तो उनकी बात मैं क्या करूं, जो आदमी जिसके साथ रहता है उसका बहुत गुणगान गाता है, आ साथ जब छोड़ता है तो गाली देते हुए जाता है, दरवाजा बंद करके जाता है कि खोलने वाला दरवाजा सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। नेताजी अपना परिचय दे और क्यों पार्टी छोड़ दिया बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहां पर आए, और काफ़ी समय से आप लोग यहां पर इंतजार कर रहे थे और हम लोगों को काफ़ी विलंब हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने से क्षमा प्रार्थी हूं।